नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपनी मस्त लाइफ जी रहे होंगे और इसी मस्त लाइफ के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में रूरल मार्केटिंग की क्लास नंबर 5। कल क्लास नंबर 4 अपलोड हो चुकी थी, आज क्लास नंबर 5 आपको मिल रही है और जल्द ही मैं इंश्योरेंस वाला पार्ट शुरू करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, ऑन स्पेशल डिमांड्स ऑफ सम स्टूडेंट्स मैं जल्द ही आपके लिए इंश्योरेंस वाला पार्ट लेके आऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये क्लास क्लास नंबर रहेगी 5। ठीक है, कौन सी क्लास है ये? क्लास नंबर 5। और इस क्लास में हम जो पिछले टॉपिक के अंदर जो हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ रहे थे जो रूरल मार्केटिंग को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें दो नए फैक्टर्स को पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, यानी एक तकनीकी कारण कि क्या जो तकनीकी तौर पे कैसे रूरल मार्केटिंग इफेक्ट होती है, या इसके अलावा एनवायरमेंट या कह लो कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, वातावरण के जो फैक्टर है, पर्यावरणीय है, ये कैसे इफेक्ट डालते हैं रूरल मार्केटिंग पर, इसके ऊपर हम आज की क्लास लेके आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचएसएससी एग्जाम पोर्टल हमारा शुरू हो गया है। एचएसएससी के जितने भी सभी एग्जाम्स हैं, या इवन एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, कोई भी गवर्नमेंट, एसटेट, सीटेट, हर एक एग्जाम के लिए हमने हमारा एग्जाम पोर्टल एचएसएससी एग्जाम क्रैकर, hssexamcracker.com स्टार्ट कर दिया है। आप उस पे जा सकते हैं, अपने प्री टेस्ट दे सकते हैं और बचे हुए टेस्ट को परचेज करके आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे एज पर द एडवाइस कि अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो अच्छा है, आपका स्कोर हमेशा इम्प्रूव करता रहेगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सबसे पहले तकनीकी पर्यावरण या तकनीकी माहौल की बात करें, दूसरा वर्ड शब्द क्या हो जाएगा? तकनीकी माहौल क्या है हमारे रूरल मार्केटिंग के लिए? देखो, जो साइंस है ना, उसने लगभग हर चीज बदल दी है। साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी चीजें बदल चुकी हैं, इतने रूरल मार्केटिंग का जो फेस है वो इतनी अलग तरीके से बदल गया है टेक्नोलॉजी आने की वजह से। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रूरल मार्केटिंग का जो इफेक्ट है वो आज की लाइफ में हम आसानी से देख सकते हैं और आगे की लाइफ में भी हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी में नई नई खोज हो रही है, नई नई तकनीकें खोजी जा रही हैं, इनकी सबकी वजह से हर चीज पे प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट, ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर बन के, या कह लो कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बन के, सॉरी एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं, तकनीकी जो कारण बन के ये ना कहीं रूरल मार्केटिंग पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग पे भी इफेक्ट डालता है और रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण विपणन, इसके ऊपर भी पूर्ण रूप से ये असर डालेगा। इसकी वजह से देखो, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि ये एक बेसिक है, ये पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट है। जब भी आप कभी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम जब भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से अगर हम बात करें कि किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उत्पादन की लागत होती है, वो हमेशा कम होगी अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो। ठीक है, निर्माण की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पैकेजिंग वगैरह, हैंडलिंग वगैरह, रख रखाव, ये सारी चीजें बहुत सस्ती हो जाती है। प्रोडक्शन हमेशा, जब भी टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी असर डालती है। ठीक है जी, तो हम जब भी देखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हमेशा एक चीज दिमाग में रखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन जो होती है, उत्पादन है, वो तो हमेशा बढ़ जाता है, लेकिन उत्पादन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है, कीमत होती है, मूल्य होता है, वो हमेशा घट जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें हमारे दिमाग में रखना है और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो पहला ही चेंज है चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में बदलाव। तकनीक में अगर बदलाव आता है तो बहुत ही अलग अलग प्रकार से बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। जैसे व्यवसाय और उद्योग को ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है, बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका बहुत ज्यादा गहरा असर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी नई तकनीक डेवलप होती है उसकी वजह से अस्तित्व में जो भी मौजूदा लाभदायक उत्पाद होते हैं वो काफी अप्रचलित हो जाते हैं, यानी ऑब्सोलेट हो जाते हैं। अप्रचलित का मतलब है ऑब्सोलेट, यानी जो भी चीजें, अब नई टेक्नोलॉजी आने का मतलब समझो, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मान लो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जब कलर टीवी आए, जब कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड्स थी वो बिल्कुल घट गई, ठीक है, और उसकी वजह से जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे धीरे धीरे क्या हो गए, अप्रचलित हो गए। अब हमारे जो बच्चे हैं या आप लोगों के जो बच्चे होंगे इन फ्यूचर, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऐसा कोई टाइम था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो वाइड है ड्यूरेशन है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, तो कोई नई नई चीज, इंडस्ट्रीज वगैरह, बिजनेस वगैरह कोई नई चीज तो बना देते हैं, कोई नई चीज अस्तित्व में आती है जिसकी वजह से जो पुरानी चीज होती है वो अप्रचलित हो जाती है या अस्तित्व से ही बाहर हो जाती है। अधिकांश उत्पादों का जितना भी है ये जीवन चक्र क्रम कर देता है, जितने भी उत्पाद हैं उन सब में लगभग जीवन चक्र का काम करता है ये टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, जैसे कि मान लो जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया तो टीवी चला गया, जब कलर टीवी आया, टीवी सेट जो कलर टीवी था वो चला गया, जब एलसीडी आए, एलसीडी गई, जब एलईडी आ गए, अब एलईडी के बाद अब एंड्रॉयड स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर एक लेवल पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, हर एक साथ के नए, जैसे जैसे कोई नए आविष्कार होते हैं वैसे ही पुराने आविष्कार अप्रचलित होने शुरू हो जाते हैं, वो धीरे धीरे यूज से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोग ये पॉइंट अच्छी तरह समझ पाए हैं, तो आगे चलते हैं। लेकिन सेकेंड पॉइंट होगा हमारा चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। जो कंजम्पशन का पैटर्न है यानी खपत का जो एक तरीका है वो, उसमें जो पैटर्न है उसमें बदलाव होते हैं। उसमें कैसे बदलाव होते हैं ये समझो। अब देखो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो लोगों का हर चीज का तरीका बदल जाता है, खाने का, पीने का, कहीं घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का, मनोरंजन का। आज मेरे पास पैसे आएंगे मैं शिमला घूमने चला जाऊंगा, ठीक है, और ज्यादा पैसे आ गए फॉरेन घूमने चला जाऊंगा, ठीक है। वहीं पे अगर अभी मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ उसके बाद अच्छा खाना खाना शुरू कर दूंगा, खाना पीना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, हर चीज की एक लाइफस्टाइल जो होती है एक व्यक्ति की, वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो अच्छी खासी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, और इन्हीं चीजों को स्टडी करके वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पे जो मार्केटर्स हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। अब लोग नॉर्मल घड़ी की जगह डिजिटल घड़ियां पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। पहले एसटीडी पीसीओ बूथ्स इनकी लाइन में लगते थे, लेकिन अब हर किसी के जेब में मोबाइल फोन है, ठीक है। घर पे और कुछ हो ना हो या किसी को टीवी देखने का टाइम हो ना हो, लेकिन केबल नेटवर्क हमेशा लगे रहेंगे, ठीक है। स्मार्ट टीवी ऑलवेज अवेलेबल, आप यूट्यूब तक कनेक्ट करके उस पे अपने टीवी पे देखते हो, वेब सीरीज वगैरह आजकल टीवी पे देखते हैं, तो हम टीवी भी स्मार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ के अलावा डिब्बा बंद, मतलब फूड प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए जो डब्बे में बंद हो। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम वगैरह, ध्वनि प्रणाली, फाइबर टेक्सटाइल्स, ये हर एक चीज जो चीजें हैं ये हमारी क्या है, ये हमारे कंजम्पशन पैटर्न को शो कर रही है कि हम पहले क्या पहनते थे। हम पहले धोती कपड़े पहनते थे, ठीक है, धोती कपड़ा, सलवार सूट, लेकिन अब क्या है, टॉप जीन्स, ठीक है, शर्ट, ये टी शर्ट, ये नॉर्मल हो गया है। अब ये सब चीजें क्या हो गई, नॉर्मल हो गई है। और ये कहीं ना कहीं क्यों हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, ठीक है।
और हाँ, उन टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ साथ हमने जो हमारे कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं, खपत करने के जो पैटर्न्स हैं, उनमें बदलाव किया है। और ऐसा नहीं कि ये बदलाव सिर्फ गांव में हो रहा है, क्योंकि हम रूरल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें मैं गांव के लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बराबर असर करती है गांव पे भी, ठीक है, गांव पे भी और शहर में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ही बराबर सा ही असर रहता है, और बल्कि शहर में ज्यादा असर करती है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में बदलाव। जो मार्केटिंग की रणनीतियां होती है, जब टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज है, रणनीतियां हैं, उनमें भी बदलाव होने आपको देखने को मिलेंगे। कि उत्पाद से रिलेटेड अलग अलग प्लानिंग्स बनानी पड़ती हैं, उसकी डेवलपमेंट की प्लानिंग बनानी पड़ती है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ होगी, ठीक है, उसको रिसर्च कैसे की जाएगी प्रोडक्ट के ऊपर, ये सारे के सारे डिसीजंस लेना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये सारे डिसीजन लेना कि प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कहाँ ऐड करनी है, कितना इसका प्राइस होना चाहिए, मार्केट में कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे जब वो डिसीजन मेकिंग वाला जो काम होता है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यानी मार्केटिंग की रणनीतियों में होता है। और इसके अलावा एक और बात आपको बताऊं कि जितने भी मार्केटर्स होते हैं ना, जो भी मार्केटर्स होते हैं, मार्केटिंग वाले, वो नई टेक्नोलॉजी की हमेशा खोज में रहते हैं, हमेशा तैयारी में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो नई खोज, नई टेक्निक की तैयारी में? क्यों न, पॉइंट नंबर वन, जैसे ही वो कोई नई टेक्नोलॉजी लेते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को उस हिसाब से औरों से पहले अपडेट करके लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी का यूज ये मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं पहले, कि देखो हमारी कंपनी तो बहुत ज्यादा अपडेटेड है, ये नई टेक्नोलॉजी अब तक तो लोगों को पता भी नहीं है, और हमारे पास, हमारी जो ये हमारा प्रोडक्ट है, इस नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है। जैसे 5G, 5G के टावर्स लगे भी नहीं थे, लेकिन आपको फोन मिल गए 5G। आज भी 5G पूरी तरह इंडिया में कामयाब नहीं हो पाया है, ठीक है, इंडिया में हर जगह 5G है नहीं, लेकिन फिर भी 5G फोन तो मिल रहे हैं, ठीक है। सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, किसी भी कंपनी का फोन ले लो, आपको 5G फोन जरूर मिल रहा है, लेकिन 5G के टावर हर जगह नहीं लगे हैं अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हर कंपनी अपने आप को नई टेक्नोलॉजीज मार्केटिंग्स के हिसाब से अपडेट करने की कोशिश करती है, जो कि उनके मार्केटिंग बेनिफिट्स के लिए अच्छा भी है, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरिया, जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, तकनीक जब भी अपने आप का अपना विकास करेगी, तकनीकी विकास जब होगा, तो साथ साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनका उत्थान होना शुरू हो जाता है, उनका अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के समय देखो, हर किसी के पास आपको देखने को मिलेगा मोबाइल फोन। गाँव की बात करो, शहर की बात करो, लगभग मोबाइल फोन आपको हर कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मोबाइल फोन के अंदर आपका कॉलिंग का बैलेंस हो ना हो, कॉलिंग का बैलेंस होना हो, फोन मिलाने का बैलेंस होना हो, इंटरनेट जरूर मिलेगा उसमें, ठीक है, कि नेट पैक करा लेते हैं। या ऐसे डिवाइसेस आपके घरों में आम देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर सिम नहीं डलती, लेकिन वाईफाई से कनेक्ट होके वो इंटरनेट चलाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं अब आम, देसी गांव में भी आम हो चुकी है। और ये, इसका कारण क्या है? इसका कारण है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आए हैं, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंप्रूवमेंट इन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अब देखो, जो पुरानी कटाई के तरीके थे, उनमें भी सुधार हो चुका है, ठीक है। पहले हार्वेस्टिंग सेक्टर जो होता था, कटाई के क्षेत्र में ट्रैक्टर वगैरह का यूज पहले नहीं होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीडर, नलकूप, गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, खेती खेती वाले वैज्ञानिक मार्गदर्शन, मतलब अब हमारे पास किसान कॉलिंग सेंटर्स तक हैं, ठीक है। किसान कॉलिंग सेंटर्स भी हैं, अगर आपकी फसल में कोई समस्या हो रही है, तो आप इनके पास कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते हो, कि भाई हमारे, मेरी फसल में ऐसा ऐसा लग रहा है, इस रंग का कीड़ा आ रहा है, ये आ रहा है,
कैसे इसको ठीक करूं, तो वहां से आपको साइंटिफिक एडवाइस मिलती है, साइंटिफिक गाइडेंस मिलती है, वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे हार्वेस्टिंग की जाए, कैसे उनकी टेक्निक को बढ़ाया जाए, कैसे आपकी फसल को बचाया जाए, कौन सी फसल किस मौसम में आपके लिए बढ़िया रहेगी, आपकी मिट्टी कैसी है, उस मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा आसानी से उग सकती है, ये सारी डिटेल्स आज के समय वैज्ञानिक मार्गदर्शन में हमारे पास अवेलेबल है। कृषि अनुसंधान, ठीक है, जो इसके अलावा जो साइंटिफिक गाइडेंस के अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वहां पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं जिससे लोगों को शिक्षित करते हैं, खेतों में बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए सक्षम बना रहे हैं लोगों को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब करने के लिए, अच्छी फसल देने के लिए ये सारी तरीके अपनाए जा रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली शहरों को ही चेंज कर रहे हैं, गाँव में भी काफी चेंज को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, FMCG फास्ट मूविंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूवेबल प्रोडक्ट्स जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक बार ये यूज होते हैं या थोड़े कम समय तक के लिए यूज होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को FMCG प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्पादों को खरीदना, ब्रांडेड टिकाऊ जो कम काफी लंबे समय तक चलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उनको करना, या जो उनकी शक्ति को बढ़ाना, खर्च करने की शक्ति, एक्सपेंडिचर पावर को बढ़ाना, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ग्रामीण विपणन में आती हैं। और ये ग्रामीण विपणन किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी फिर तकनीक की वजह से हो रहा है, तकनीक या टेक्नोलॉजी कुछ भी कह लो आप। नेक्स्ट हमारा अगला इफेक्ट या अगला कह लो जो फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारा नेक्स्ट है, वो है पॉलिटिकल राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक माहौल या पर्यावरण कह लो, कि कैसे राजनीति कैसे इफेक्ट डालती है रूरल मार्केटिंग पे, राजनीति कैसे इफेक्ट डालती है, अब ये समझेंगे हम। चलिए समझते हैं, देखो पॉलिटिकल अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक नीति के रूप में इसको समझा जाता है, इसका एक और नाम भी है। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम पूछा जाए तो उसका नाम पब्लिक पॉलिसी एनवायरनमेंट या फिर सार्वजनिक नीति वातावरण, ये इसी पॉलिसी का नाम है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही नाम है ये। व्यापार के समय बहुत सी गतिविधियां देखी जाती है, जब व्यापार को किसी भी बिजनेस वगैरह के समय मार्केटिंग की जाती है तो मार्केटिंग के समय बहुत सारी एक्टिविटीज देखी जाती है, मार्केटिंग जो मार्केट की जो एक्टिविटीज हैं काफी देखी जाती है, और देखा जाता है संचालन में राजनीतिक ताकतें इसमें काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब देखो सिंपल सी बात है, किस हिसाब का कैसी सरकार है, उसका माइंडसेट कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, क्या वो डेवलपमेंट के लिए जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका साथ देने वाली है। तो विपणन प्रणाली की बात करते हैं, विपणन प्रणाली केंद्र, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट के जो माइंडसेट है, जैसे अब कोई बड़ी जैसे उद्योगपति वाली है, कोई कोई सरकार है जो उद्योगपति को सपोर्ट करती है, जैसे मान लो बीजेपी है, बीजेपी आने के बाद उद्योगपतियों का बहुत अच्छा फायदा होता है, ठीक है, तो उद्योगपति ये पहले देख लेंगे कि अभी गवर्नमेंट में इलेक्शन कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, तो हम हमारी पॉलिसीज को ऐसा बनाएं कि बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ हम एडजस्ट कर पाए, ठीक है। वहीं पे मान लो फिर कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस के टाइम पे ये एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लो कि वो बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करती और वो कहती है कि नॉर्मल जो व्यक्ति है उसका भी उसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उस समय जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी स्ट्रेटेजीज ही ऐसी बनाती हैं कि उनको गवर्नमेंट से ज्यादा लेना देना ना पड़े, ज्यादा उनका आमना सामना ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इफेक्ट करता है, और मार्केटिंग के जितने भी सिस्टम हैं, जैसे केंद्र सरकार की मौद्रिक नीति जो है
मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीतियां हैं, ठीक है, जैसे मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कौन लाता है? आरबीआई लाता है। मौद्रिक नीति को कौन फॉलो करता है? आरबीआई करता है। अब आरबीआई बोल दे कि भाई जो कंपनीज आपके पास लोन लेने के लिए आए उनको आप लोन सस्ता नहीं दोगे, तो लोन महंगा करवा दे आरबीआई, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा। टैक्स बढ़ा दे, अगर टैक्स को बढ़ा दे, कर बढ़ा दे, तो वो किस में आ जाता है? राजकोषीय नीतियों में आ जाता है। आयात निर्यात की जो नीतियां हैं, सब्सिडी कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है और इसी पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग भी प्रभावित होती है। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज व्यवस्था। देखो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आप लगभग आपको हर चीज देखने को मिल जाएंगी, सरकारी विभाग वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, कृषि, बिजली, संचार, उद्योग, ये छोटे मोटे सारे दृष्टिकोण आपको पंचायती राज सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जस्टिस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? पंचायती राज सिस्टम में। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, जिसके जनक है एम एस स्वामीनाथन इंडिया में, ठीक है, तो उसी हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन। अब सरकार देखो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन को एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करना, शोध की नीति लाना, उसके उसके हिसाब से परिणाम निकालना, ये सारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही काम था। सरकार को कौन सी खेती पे, कौन सी कृषि आदानों पे सब्सिडी देनी है, किस कृषि आय पर अवकाश रखना है, किस सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, इसके अलावा हरियाणा में जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, मेरे मेरा पानी मेरी विरासत, ये योजनाएं जो चलाई जाती हैं, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है मार्केटिंग के ऊपर। ये सारी योजनाएं जो सरकार की हैं वो हर कोई योजना इम्पैक्ट डालती है मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट के भी खुद के कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो रूरल पॉपुलेशन के लिए चलाए जाते हैं, ग्रामीण परिवेश के लिए चलाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव के अंदर सड़कें बनाना, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 में, ठीक है, 25 दिसंबर सन 2000। इसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2001, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में होती है, लेकिन एक्चुअली में इस स्कीम का नाम काफी बदला हुआ है, पहले ये इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से आती थी, 1985 में इंदिरा आवास योजना के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, किस नाम से? इंदिरा आवास योजना, ठीक है। और उसके बाद 2015 में इसको ग्रामीण आवास योजना बनाया, ग्रामीण आवास योजना के साथ साथ इसको ग्रामीण जो आवास योजना, हाउसिंग योजना, इसके बाद इसको शहरों में 2022 में आने के बाद इसको शहरों में भी लागू कर दिया गया, शहरी आवास योजना के नाम से भी चला दिया। इसके अलावा नरेगा, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है, ये लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए था, आय बढ़ाने के लिए किया गया था, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा, जिसके जिसके शॉर्ट फॉर्म नरेगा के नाम से फेमस है। इसका एक्ट तो आया था 2005 में, ठीक है, इसका एक्ट आया था 2005 में सितंबर में या अक्टूबर में, ऐसा कुछ, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसका एक्ट तो आया था 2005 में, लेकिन इस योजना को लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 में, ठीक है। तो ये 25 दिसंबर ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001, और ग्रामीण आवास योजना 2015। अगर पूछ ले इंदिरा आवास योजना इस कौन सी इंदिरा की, इंदिरा आवास योजना पूछ ले तो वो 1985 में है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को, टिकाऊ जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, टिकाऊ प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको
इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पे ना फॉर्मेट मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है कि मैं चलो एक ही स्लाइड में गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रूरल मार्केटिंग कैसे काम करती है वो सारी चीजें एक ही स्लाइड में समझाई जा सके, ठीक है, कि रूरल मार्केटिंग में कैसे काम करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकारी नीतियां। जो देखो व्यापार और वाणिज्य की जब बात करते हैं ना, कि कॉमर्स और हम कहें कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, इसके बाद इसके जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसके बाद जो आंतरिक कालाधन होता है, इंटरनल टैक्सेशन है, एक्सटर्नल लेवीज हैं, या बाहर बचे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये सारी जो तरीके हैं, ये हर एक चीज व्यापार करते समय सरकार की क्या नीति है, क्या पॉलिसीज है, इन हर चीजों का, एक एक चीज का असर पड़ता है ग्रामीण विपणन के ऊपर, ठीक है, रूरल मार्केटिंग के ऊपर एक एक चीज का असर पड़ता है। ग्रामीण विपणन वातावरण में राजनीतिक ढांचा कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सरकार काम कैसे कर रही है, जिस काम के लिए सरकार बनी है या उन्होंने जो बोला है अपने एजेंडा में, जो चीजें उन्होंने ऐड की है, बोली है, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं, हर चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग की क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्षमताएं क्या है, विपणन मिश्रण कितना है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग रेगुलेशंस क्या क्या है, हर चीज से बदलाव से प्रभावित होता है, ठीक है। अब सरकार कोई रूल बना दे कि भाई गांव में जाके कोई भी कंपनी बैनर नहीं लगाएगी, ठीक है, कोई भी कंपनी गांव में जाके बैनर नहीं लगाएगी, लोग डिस्टर्ब होते हैं गांव के, पसंद नहीं करते, तो अब जो बैनर नहीं लगाएगा, तो अब बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी है ना जिनकी एड ज्यादातर बैनर्स की वजह से होती होगी, बड़े बड़े पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, इनकी वजह से ऐड होती होगी, अब वो ऐड नहीं कर पाएंगे, तो उन कंपनियों पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हर प्रकार से प्रभावित करती हैं भाई, ठीक है, हर प्रकार से प्रभावित करती हैं। और जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, योजनाएं हैं, नीति हैं, रणनीति हैं, इनको समय समय पर तैयार किया जाता है, जनता की नीतियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, कि कैसे जनता की क्या इच्छाएं हैं, जनता क्या चाहती है, उस हिसाब से इन सब को तैयार किया जाता है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतनी ही वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और टेस्ट पोर्टल पे जाकर, HSSC एग्जाम क्रैकर के टेस्ट पोर्टल पे जाकर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने वहां टेस्ट जाइए, टेस्ट परचेज कीजिए, 199 रुपए में आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के सेक्शन में HSSC के कंप्लीट तैयारी के लिए 3 महीने का पैकेज मिल रहा है 199 में, जो कि बहुत ही कम रेट में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय फॉर नाउ।